दूसरे दिन जवान की जो एडवांस बुकिंग बताती है कि जवान का कलेक्शन में ड्रॉप होने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जवान का कलेक्शन तभी ड्रॉप होगा जब उसकी एडवांस बुकिंग में कमी आएगी। और फर्स्ट डे का जो एडवांस बुकिंग था, जो सेकेंड बोर्ड के एडवांस बुकिंग से कंपेयर करेंगे तो 50% का एडवांस बुकिंग में ड्रॉप है, जिसका आंकड़ा मैं दे रहा हूं। आप देखिए, पहले दिन की एडवांस बुकिंग है जो टोटल पूरे इंडिया में एडवांस बुकिंग हुआ हर लैंग्वेज में 15,78,934, 15,78,934, ठीक है। इसमें से हिंदी बेल्ट में हुआ था 13,05,635, लेकिन जब यही अब ये टोटल अमाउंट में काउंट होता है 21 करोड़ के आसपास की एक एडवांस बुकिंग है, लेकिन यही जब आप सेकेंड डे पे जाते हैं तो वो गिर के हो जाता है 7,48,806। मतलब आप देखिए, जहां 15 लाख पहले हो रहा था अब हो रहा है 7 लाख, 7.5 लाख के करा। तो जो जो कमाई होगी वैसे ही गिरेगी, तो एक दिन में इतना ड्रॉप क्यों? और क्या एडवांस बुकिंग के साथ स्क्रीन भी कम हुआ? मैं पूरा डिटेल दूंगा बाद में, लेकिन अभी बता दूं कि मुंबई में ही इसके 10 स्क्रीन कम हो गए दूसरे दिन। तो इसका क्या वजह है? किसी का फैन होना या किसी को फॉलो करना या किसी के प्रति लगाव होना ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम सही तरीके से किसी चीज, वस्तु या व्यक्ति का आकलन नहीं कर पाते। और ये निवेदन है मेरे को शाहरुख खान के फैन से कि जो भी मैं तथ्य बताता हूँ वो तथ्य पर टिप्पणी करो, जबरदस्ती का वे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, कह रहे तेरे से कुछ नहीं होगा, इस तरह का कमेंट करके कोई मतलब नहीं है, छोड़ो, जाने दो। जो तथ्य है उस पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों जवान की फर्स्ट डे की जो कलेक्शन है और प्रेडिक्शन है और बॉक्स ऑफिस में रिपोर्ट क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है रणधीर सिंगर के एक नए एपिसोड के साथ। और हम आज आपको पूरा बताने जा रहे हैं कि जवान जो है उसका फर्स्ट डे का कलेक्शन क्या है। और आपको एक बात बता दूं कि अभी तक जो भी बोल रहा है उसका कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। अभी तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारे प्रेडिक्शन पे और सारे जो टिकट सेलिंग है उसके हिसाब से और ऑक्यूपेंसी क्या है फिल्म का, जो भी भारत में क्रिटिक्स हो या ट्रेड एनालिस्ट हो वो इसी के हिसाब से आकलन करके बता रहा है कि अभी तक क्या उसका कमाई है और क्या वर्ल्ड वाइड कमाई है, क्या ग्रॉस उसका कलेक्शन है। जो भी ऑथेंटिक डाटा है अभी तक नहीं है। अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि जवान का 12 बजे का जो शो था, मतलब 12 बजे तक जो कलेक्शन था वो था PVR और आईनॉक्स मिला के 15.60 और सिनेपॉलिस में था 3.75, जो टोटल मिला के होता है 19.35। और जब मैं ये डाटा दे रहा था तो मैं ज़रूर तुलना करूँगा एक एनालिसिस के हिसाब से कि पहले के कोई पिक्चर इतना कमाई की है कि नहीं, नून के जो आफ्टरनून तक का शो है, कलेक्शन है। तो अभी किसी को बुरा लग रहा तो उसके मेरा कोई उसका मेरे पास कोई दवाई नहीं है। चलती पठान ने किया था 27.02, मैं आफ्टरनून की बात करता हूँ 12 बजे तक का। KGF ने किया था 22.15 और वॉर ने किया था 19.67। लेकिन जब ये डाटा 10:45 रात को आया तो बिल्कुल चेंज हो गया था। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ? जो जवान की जो कलेक्शन है वो है PVR प्लस आइनोक्स का 23.50, जो कि पहले नून में था 15.60, वो जंप कर गया। सिनेपॉलिस में पहले जो था 3.75 वो बढ़ के हो गया 5.90। तो इस तरह पूरा अगर टोटल मिलाएंगे तो हुआ 29.40। अब आते हैं कि 10:45 तक, मतलब रात को 10:45 तक
पठान केजीएफ वार का क्या कलेक्शन था, तो पठान था 27.02, अब वो पीछे हो गया, केजीएफ था 22.15, वो भी पीछे हो गया, वार 19.67। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो जो जवान का जो डाटा है, कलेक्शन है, वो इन तीनों मूवी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो मैंने जो बोला उसका मेरे पास आकलन क्यों है और मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका वजह यह है कि जो इसका ऑक्यूपेंसी था मॉर्निंग में 55-60% तक ऑक्यूपेंसी था, जब आफ्टरनून हुआ तो इसकी ऑक्यूपेंसी सेम था, लेकिन इवनिंग नाइट में बहुत ज़्यादा जंप हुआ इसके ऑक्यूपेंसी में, वो चला गया 82-85% तक। अब इस हिसाब से अगर डाटा लगा रहे हैं तो आज की जो कमाई होगी ये 60 करोड़ के आसपास होगी, उससे ऊपर भी जा सकती है अगर डाटा आए तो। हिंदी वर्जन में बॉक्स ऑफिस जा सकता है 65 तक, ये जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बता रहा है, और अगर इसमें तमिल और तेलुगु को जोड़ दें तो 72 से 73 करोड़ तक ये कमा सकती है फर्स्ट डे। चूंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो हम सही में बता नहीं पाएंगे कि कौन सी मूवी कहाँ खड़ी है इस वक्त। अब इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है हम करेंगे, इसका जो पहले जो जो मूवी है उसका क्या कलेक्शन था। अब इसका आदि पुरुष का कलेक्शन जो फर्स्ट है, वो अलग अलग लोग डाटा बताते हैं, जो ऑथेंटिक डाटा है अपने आप कौन सा सही है, एक बताते हैं कि पहले दिन जो आदि पुरुष ने कमाया था वो था 86.75, ठीक है, किसी ने बोला 95 करोड़, आप सोच ही लीजिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरे दिन उसी ने बताया 60 करोड़ तक, एक ट्रेड एनालिसिस है उनका, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। दूसरा जो ट्रेड एनालिसिस है उनका कहना है कि पहले दिन आदि पुरुष ने कमाया था 102.5 करोड़, मतलब 102.5 करोड़, दूसरे दिन कमाया था 77 करोड़, तीसरे दिन कमाया 81.5 करोड़, लेकिन चौथे दिन आदि पुरुष का जो कलेक्शन है वो गिरकर 18 करोड़ के आसपास आ गया। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि पहले दिन के कलेक्शन से हम किसी भी मूवी का ये आकलन कर लें कि ये मूवी सुपरहिट हो रही है या ब्लॉकबस्टर होने वाली है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, तो ये गलत होगा। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आप बोल सकते हैं, या किसी भी एक्टर के फैन हैं तो आप बोल सकते हैं बड़ा चढ़ा ले, लेकिन अगर डाटा के हिसाब से बोलेंगे तो ये गलत है। क्योंकि आप देखिए आदि पुरुष के अलावा ब्रह्मास्त्र का भी जाइए, ऐसी ही धाम से गिर गया था। बाद में क्या होता है कि कंटेंट उसका एक वीक के बाद, चाहे एडवांस बुकिंग हो चाहे कोई भी हो, वो सब एक वीक का गेम होता है। एक वीक के बाद अगर कोई भी मूवी रन कर रही है तो मूवी का कंटेंट, डायरेक्शन और एक्टर एक्टिंग, ये लेके जाती है मूवी को एक ब्लॉकबस्टर तक। ये जरूर जो पहला जो वीक होता है या पहला डे होता है, ओपनिंग डे होता है, उसका कलेक्शन अगर बहुत बढ़िया है तो वो उसको सपोर्ट कर। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि जवान रिलीज होने के बाद एक ग्रुप को मिर्ची लगी है, या हेटर्स जो हैं शाहरुख खान के उनको मतलब वो आईसीयू में हैं, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे भी कमेंट और मेरे डीएम लोग डायरेक्ट करते तो ऐसी बातें शाहरुख खान के फैन बोलते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप देखो कितना बदलाव आया फिल्म इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड की मूवी नहीं देख रहे थे और जिसकी वजह से बॉलीवुड की मूवी चलना बंद हो गई थी, साउथ की मूवी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की जगह ले रही थी, बल्कि उनकी डब पिक्चरें हिंदी सिनेमा के जो बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम की मूवी है उससे ज़्यादा कमाई कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी संस्कृति को गलत तरीके से दिखाया जाता है। आप हो, हम हो, कोई भी हो, शाहरुख खान के फैन हो, किसी के भी फैन हो, वो हम सारे एक ही संस्कृति से बिलोंग करते हैं, वो है हिंदुस्तान की संस्कृति। आप उसको अगर इस ज़मीन पे, धरती पे पैदा हुआ तो गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने देश के हित के
खिलाफ कभी ये नहीं कि पाकिस्तान का एक्टर है यहाँ काम मिल रहा है तो आप पाकिस्तान के एक्टर को सपोर्ट करना शुरू कर लें। अगर पाकिस्तान अपने देश के साथ गलत तरीके से बॉर्डर से लेकर हर जगह काम कर रहा है, आप फिल्म में दिखा देते हो कि मतलब हम देश के लिए लड़ रहे हैं, और कई बार ऐसे भी दिखाते हैं कि आप पाकिस्तान को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, तो वो गलत है। और यही कारण है कि आप जो बॉलीवुड की दो चेहरे हैं उसको दर्शक पसंद नहीं कर रही थी कि आप फिल्म में और दिखाते हो, और जब खड़ा होने की बात होती है तो पाकिस्तान के एक्टर को, वो तो एक्टरों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए बॉलीवुड की पिक्चरों को लोग नहीं देख रहे थे। तो इसलिए चेंजेज आया। आप जवान जाके देखो, पठान भी जाके देखो, पठान में वो जरूर दिखाया गया, ठीक है उसमें एक ISI के एजेंट को दिखाया गया, उसको भी मैनिपुलेट किया गया, लेकिन भारत की भी दिखाया गया कि भारत की जो हमारी संस्कृति है या भारत का जो हमारा राष्ट्रवाद है उसको भी दिखाया गया। सेम जवान में भी है कि जवान में आप कोई भी उठा के देख लो, अभी अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही थी मिशन रानीगंज, उन्होंने भारत नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि अब बॉलीवुड के वो एक्टर समझ गए हैं कि देश की जनता ये कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि आप अपने देश को गलत तरीके से पेश करोगे या देश के खिलाफ खड़े नजर आओगे, आपको देश के साथ ही चलना पड़ेगा और देश के फीलिंग के साथ। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, ये मैसेज था उन लोगों के लिए। दूसरा इसमें बोलना चाहता हूँ कि मूवी ख़त्म हो रही थी तो उसमें एक स्पीच भी दिया शाहरुख खान, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, गरीब वो बोलते हैं कि गरीबी के कारण फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, आपके वोट में इतनी ताकत है, हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं, अच्छी बंदूक नहीं होने की वजह से एक जवान शहीद हो रहे हैं, और करप्शन के कारण लोग परेशान हैं, आम जनता को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब इसको कांग्रेस जो पार्टी है उसको अपने हिसाब से ट्वीट कर रही है और BJP अपने हिसाब से। तो हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम ये वीडियो चूँकि जवान पे बना रहे हैं तो जवान पे बनाएंगे। इसका जब ऑथेंटिक डाटा आएगा तो हम आपको बताएंगे ये पिक्चर पहले दिन कितना कमाई। अगर सही में ये 72 करोड़ कमाती है आज के दिन, तो अगर ये चलती रही तो 500 करोड़ को टच कर सकती है मूवी, बाकी कंटेंट पे डिपेंड करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में, नए एपिसोड में, इसी तरह के किसी और वीडियो में। धन्यवाद।